मलाई कोफ्ते के लिए हमें इन सामग्री की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको मसाले का बता देती हूँ। इसमें मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, नमक, किचन किंग मसाला, अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो पनीर मसाला भी ले सकते हैं, काली मिर्च, 2 लौंग, 2 से 3 इलायची, छोटी इलायची, 1 कटोरी मोटा कटा हुआ प्याज, 1 कटोरी भर के मोटा कटा हुआ टमाटर, 10 से 15 कलियां लहसुन की और 1 से 2 हरी मिर्ची, 10 से 12 काजू, 1 भर के कटोरी पनीर मैश किया हुआ, इसको बाद में मैं मिक्सी में और थोड़ा महीन मैश कर लूंगी, 1 कटोरी उबला हुआ कसा हुआ आलू, उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस किया है, 2 टेबलस्पून मैदा। एक मिक्सी में पनीर डाला और मैदा, इसको डालने के बाद थोड़ा सा 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला और इसको मिक्सी में अच्छा सा महीन पीस लिया। एक बोल में आलू डालेंगे और पिसा हुआ महीन मैश किया हुआ पनीर डालेंगे। इन दोनों को एक गीले हाथ से या चिकने हाथ से धीरे धीरे मिक्स करना है। हमने पनीर और आलू, पनीर जिसमें मैदा मिली हुई थी और आलू, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा तेल एक हाथ में लेकर, इस तरह से तेल लगाकर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। बॉल्स बनाकर एक प्लेट में रखते जाना है। आप चाहे तो गोल बॉल बना लें, बड़ी बना लें, छोटी बना लें, या लंबे आकार के भी बॉल बना सकते हैं। इस तरह से एयर फ्रायर को प्री हीट करके 2 से 3 मिनट प्री हीट किया। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया इसके बेस पर, दीवारों पे थोड़ा थोड़ा, और ये तैयार किए हुए मलाई कोफ्ते इसमें छोड़ देंगे। ये मलाई कोफ्ते जो लंबे वाले हैं वो मैं आपको एयर फ्राई करके दिखाऊंगी, गोल वाले फ्राई करके भी बन सकते हैं। इनको एयर फ्राई में रखने के बाद मैं 160 डिग्री पर इसको चलाऊंगी 7-8 मिनट के बाद इसको खोल कर देखा तो हमारे मलाई कोफ्ते इसमें भी ब्राउन हो गए हैं। आइए गोल वाले मलाई कोफ्तों को हम फ्राई करके भी देख लेते हैं। पहले देखेंगे तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल अभी नहीं गर्म हुआ है। अब हम देखेंगे तेल गर्म हो गया, ये फ्राई होने लगा है जो पीस डाला था। तो इसमें हम अपने मलाई कोफ्ते छोड़ देंगे, धीरे धीरे हल्की आंच कर देंगे। और इनको इस तरह से फ्राई कर देंगे हल्के गुलाबी होने तक। हमारे मलाई कोफ्ते इस तरह से हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको धीरे धीरे प्लेट में निकाल लेंगे। ये साइड में भी फूल गए हैं थोड़े और बहुत सॉफ्ट बने। गैस बंद कर देंगे। मसाला बनाते हैं, उसके लिए हम इसमें एक गरम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड तेल, उसमें इलायची और लौंग वो डालेंगे,
जब वो थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। उसको भी हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें प्याज डालेगा। प्याज को भी हल्का फ्राई करना है, हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना। मोटा कटा हुआ प्याज तेल में गर्मी में डालने से अपने आप ही अलग अलग हो जाता है और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाता है अंदर तक। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है जैसा आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक वो नरम ना हो जाए। इसको हम 1 मिनट के लिए ढकेंगे तो टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे। 1 मिनट के बाद खोलकर देखा तो टमाटर थोड़े थोड़े और नरम होंगे। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें काजू डाल देंगे, काजू भी थोड़ी देर चला लेंगे। अब हम इसमें मसाला डालते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, करीब 1/2 टीस्पून। किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें पनीर मसाला भी ले सकते हैं, पनीर टिक्का मसाला। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाला है। इन सब को भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी आइस डाल देंगे, 6-7 क्यूब, और इसको एक मिक्सी में निकाल कर पीस लेंगे। आइस क्यूब डालने से ये महीन भी पीसेगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, मिक्सी से बाहर उछलेगा भी नहीं। हमारा मसाला महीन पीस गया है। अब हम इसको कढ़ाई में इस्तेमाल से डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद हम इसमें 1 कटोरी दूध मिला देंगे। अगर आपके पास मलाई है तो वो डाल दीजिए, पर दूध से भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है मलाई कोफ्ते की ग्रेवी का। इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला या पनीर मसाला ऊपर से डाल देंगे, नहीं तो थोड़ा सा किचन किंग मसाला और डाल देंगे और अच्छी खुशबू के लिए। बाद में निकालने से पहले इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस या टमाटो चिली सॉस डाल के और मिक्स करना है। अब हम इसको एक बोल में निकालेंगे, पर उससे पहले मलाई कोफ्ते बोल में रखेंगे इस तरह से बेस के ऊपर फैलाकर। इनको कढ़ाई में नहीं बॉईल करना क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं, ये टूट सकते हैं। अब इसके ऊपर हम गरम ग्रेवी इस तरह से डाल देंगे खाने से पहले, सर्व करने से पहले।